मोबाइल मुझे खास करके बहुत मज़ा आया क्योंकि अभी मैंने परफॉर्म भी किया था हमारी मलाड मस्ती में एंड पूरा क्रेडिट ऑफ कोर्स असलम भाई को जाता है। मलाड मस्ती ये जो कार्यक्रम है जो हर साल होता है इम्पॉर्टेंट कॉज को लेके कार्यक्रम करते हैं, इस साल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्टॉप चाइल्ड अब्यूज़। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉज दैट सबको अवेयरनेस के लिए हमारे असलम भाई ने ये जो यू नो मलाड मस्ती शुरू किया है हर साल होता है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड परफॉर्म एंड थैंक यू सो मच असलम भाई फॉर इन्वाइटिंग मी। It's been a pleasure and yeah, Vidhima. Vidhima, what you would like to say on this? यहाँ की जो energy है ये लेने आए हैं हम यहाँ पर और we are feeling so so happy to be a part of this. Big thanks to Aslam sir. एक तो इतने अच्छे cause के साथ यहाँ पर हम सब मिले हैं. So I hope you all are enjoying and having a fabulous time. Always artists know you by your work. So what is the surprise for all the masters? Any new projects which you would like to share? Very soon I'll be talking about that. How much are you following Big Boss? Well, not so much, but we are not here for Big Boss. We are here for Malad Masti. That's it. And that's yeah. What matters. And also, me and Ridhima have done a song. हमने एक गाना किया था, एक म्यूजिक वीडियो किया था जो बुलेट ते सवार जो अमिताभ बच्चन साहब ने रिलीज किया था 10th ऑफ नवंबर को. सो बहुत ज्यादा प्यार देना एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव. बहुत सारे रील्स बनाइए हमारे लिए, हमें टैग कीजिए, वी विल बी शेयर. हाँ, भारती ने स्पेशल फीचर किया है भारती सिंह ने एंड रिधिमा वाज प्लेइंग द फीमेल लीड
आई वाज थिंकिंग मेन लीड, मैंने गाना गाया भी है और बनाया भी है। आई एम एक्चुअली प्लेइंग भारती, उसमें सरप्राइज है हमारे वीडियो में, सो जाकर देखना। एक्चुअली ये लोग डबल प्रमोशन कर रहे हैं, आज ये दो आए हैं, बाद में भारती अलग आने वाली। हां जी, आपको दो बार चलानी पड़ेगी। अनिल जी, आपका अनुभव कैसा रहा पूरा मलाड मस्ती को लेकर? ग्रेट असलम भाई, जो भी कर रहे हैं सलाम उनको, आई एम श्योर ही विल कीप रॉकिंग। दादा पांचवा साल आप पे, ग्रेट अमेजिंग वर्क, ऑल द वेरी बेस्ट यू दादा। असलम सर, आप क्या कहना चाहेंगे मलाड मस्ती 2022 को लेकर? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो यंगस्टर्स और ये जो मलाड मस्ती आप देख रहे हैं, ये शुरुआत में सिर्फ मुंबई के लेवल पे था, फिर महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से आज इस देश का सबसे बड़ा स्ट्रीट इवेंट है। इससे बड़ा कोई स्ट्रीट इवेंट नहीं। साथ में मैसेज है, एक तो यंगस्टर्स को बुरी आदतों से बाहर निकालना है, जो कंप्यूटर इससे उससे, प्लस जो चाइल्ड अब्यूज़ का एक बहुत बड़ा इस देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है बहुत तगार पे रहता है, उसको अवेयरनेस के लिए भी है। और मैं सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि सुबह 7 बजे वो भी उठ के आ रहे हैं। आपसे एक सवाल है, मलाड मस्ती में लोग मस्ती तो भरपूर कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो एक टैलेंट को प्रमोट करने का मौका दे रहे हैं आप, ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसके बारे में आपकी कल्पना कहाँ से है? टीवी पर तो एक लिमिटेशन होता है, आपने यहाँ पर लिमिटेशन कोई बंधन नहीं रखा है। देखिए, ये जितने जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अभी काजोल जी गए, आगे और भी बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये सर्वसाधारण आदमी इनको देख सिर्फ टीवी में देख पाता है, लेकिन उनको यहाँ पे लाता हूँ तो करीब से देखते। प्लस अभी रेमो आया, वो किसी डांसर्स को उठा के ले जाएगा, किसी जगह परफॉर्म कराएगा। एकता कपूर आ रही है, हमने एक टैलेंट हंट रखा है, उसमें कोई बच्चा तैयार होगा उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में अगर किसी एक को भी एस्टैब्लिश कर लिया तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी सक्सेसफुल होगी। सर, आने वाले समय में लोगों में और कितना क्रेज़ देखा जाएगा मलाड मस्ती को लेकर? ये जितना क्रेज़ ये लोग पैदा करेंगे उतना क्रेज़ दिखाई देगा भाई, क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। मैं कल रात को हैदराबाद की फ्लाइट लेके आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ, तो मेरे फैंस मुझे मैसेज कर रहे थे, वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर परफॉर्मेंस इन मलाड मस्ती एंड फॉर योर अपडेट्स। तो इतना पॉपुलर है कि हैदराबाद में भी लोग जानते हैं कि मलाड मस्ती के बारे में। और असलम भाई, जो ये खूबसूरत एक कार्यक्रम कर रहे हैं हर साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज को लेके, स्प्रेडिंग वाइड, एंड थैंक्स टू ऑल, एंड वी शुड गिव हिम लॉट्स ऑफ लव एंड पावर टू मेक इट बिगर एंड बिगर एंड बिगर। असल में जैसे शुरुआत हुई थी मलाड मस्ती की, लगा नहीं था कि वापस आ रहा हूं थोड़ी देर में, एक आदमी और देख लिया ना सर। और मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करना चाहूंगा। हां जी, हमारे गुरप्रीत कौर चड्ढा जी, जिनके थ्रू मैं मिला हूं असलम भाई को, थैंक यू सो मच। अरे दे देंगे ना तेरे को, फोटो भिजवा देता हूँ मैं। चलो भाई, कहाँ अपना ये है ना, जयेश का है कि नहीं? या ऑफ कोर्स एक्चुअली मलाड मस्ती इसी चीज़ के लिए भी हो रहा है। चाइल्ड अब्यूज इज रियली बैड एंड आई रियली डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट बिकॉज इट हर्ट्स मी टू द डीपेस्ट। सो ऑब्वियसली दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय मिस्टर असलम शेख, सो इट्स लाइक अ रियली गुड थिंग दैट ही इज डूइंग फॉर एवरीथिंग, सो एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Actually tomorrow itself our new show is coming on Tamil. So Chinki Minki se to aap mil liye, ab Riddhi Siddhi se bhi mil lo. So our name of the show is Fawara Chowk, which is gonna get live on Tamil channel. 7 PM only. Jo bhi perform kar rahe hain. Ekdum. Big Boss 16. Big Boss mamma kar rahi follow. Hum bahut kam follow kar rahe hain. Koi contest jinhe aap jante hain. Ab tu. फॉलो नहीं कर रहे हैं,
दोनों लोग हर जगह जाती हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि लोग बहुत पूछते हैं हमसे सवाल, बचपन से पूछते आ रहे हैं, हमारे बचपन से नाम ही चेंज नहीं होते हैं। मम्मा भी तो कंफ्यूज होती है, तो फिर आप लोग हाँ ये तो है, आप पूछेंगे आपका नाम क्या बताओ। हम ये जरूर बता सकते हैं, शी सुरभि, आई एम समृद्धि सुरभि। रियलिटी शो आई गेस अगर कुछ अच्छा आता है हमारे लिए, बिकॉज हम थोड़ा सिलेक्टिव है कुछ चीज़ को लेकर, तो जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है मेरे आई थिंक खतरों के खिलाड़ी। आई वाज अबाउट टू से द सेम, हम दोनों खतरों से लड़ना बहुत पसंद है, खतरों के खिलाड़ी। सो नेक्स्ट ईयर वी आर सेइंग वी आर खतरों के खिलाड़ी, ओ मोस्ट प्रोबब्ली, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गिविंग यू मैम, हां जी, आपको पर्सनल चाहिए होता है ना हमेशा। अरे आई एम सरप्राइज्ड इतने अर्ली मॉर्निंग। अरे वो माइक रखो नीचे, सिंगल उसका। आई एम सरप्राइज्ड के संडे अर्ली मॉर्निंग इतनी लोग यहाँ मौजूद है, एंड वेरी एनकरेजिंग, एंड हैट्स ऑफ टू असलम भाई फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। इस बार उनका जो एम है वो ये है कि बच्चों को थोड़ा मोबाइल वोबाइल से दूर करके ग्राउंड पर लाए, स्पोर्ट्स कराए, एक्टिविटी कराए, एक्सरसाइज वगैरह कराए। एक्चुअली मेरे बच्चे क्या, हम सब भी आज इतने गिरफ्त हो गए हैं मोबाइल से, हम सब कैद हो गए हैं। सो इट्स नॉट गुड ऑनेस्टली, सो वेरी ग्रेट इनिशिएटिव दिस इज, सो दैट के बच्चे वापस साइकिलिंग संडे मॉर्निंग कहीं जाना, कहीं लंच कर ब्रेकफास्ट करना, ब्रंच करना, so that activity should resume, and I loved the audience, I wished I could entertain them more, but inshallah next time. My show is starting from tomorrow, kal se 5 December se sham 7 baje Monday to Friday, called Fawara Chowk on Dangal TV. It's a very entertaining show, wo ek area ke andar acha wo hai, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकूँगा, कॉमेडी शो है। मैं अनफॉर्चुनेटली आई बीन ट्रैवलिंग, फ्रेंकली शुरुआत के कुछ देखे थे एपिसोड, अभी नहीं कनेक्ट कर पाया, कुछ इवेंट्स थे इसलिए। एंड बिग बॉस इज ऑलवेज ग्रेट यार, अब तो बहुत प्यारा है मतलब, पर खैर वो हाउ गेम जैसे जैसे आगे जाएगा, टास्क बढ़ता जाएगा, सो आई एम श्योर के क्या मुझे पता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो फॉर एवरीवन, बट मे द बेस्ट विन। He is ऑलवेज ग्रेट, इज अ एंटरटेनर, अमेजिंग एंटरटेनर। साजिद भाई इज नंबर वन एंटरटेनर, हम सब उनको फॉलो करते थे जब वो अपनी शोज करते थे टेलीविजन पे, यू नो वो, सो ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर, अमेजिंग मेकर। एंड मेरे चेंजेस से कुछ नहीं होने वाला है, वो शो का जो फॉर्मेट है, जो रिक्वायरमेंट है, एवरीबडी विल हैव टू केटर टू दैट पर्टिकुलर शो। ऑनेस्टली आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, अभी आगे का नहीं पता, नेवर नो आगे कब क्या कैसे चेंजेस क्या आती है, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीजन हो और उसमें कभी हो जाए तो पता नहीं, बट इट्स एन अमेजिंग शो। थैंक यू ऑल, लव यू।